अगर वो दोनों लड़कियां वापस से अजय नारंग के खिलाफ खड़ी होती हैं, तो हमें एक बहुत बड़ी खबर मिल जाएगी। और यकीन मानिए काका, इस बार मैं उन दो लड़कियों को पीछे नहीं हटने दूंगी। कमाल करते हैं पांडे जी, इन्हें सच तो बोलने दीजिए और आप अपने आपे में रहिए तो बेहतर होगा। प्रैक्टिस करने से ना भूखा रहने का, अनशन करने का आदत हो जाएगा। हम लोग एक काम करेंगे, हम सब औरतें मिलके तुम दोनों को भूखा रहने का प्रैक्टिस पहले कराएगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। टोडरमल जी समझो समझो। ओ लक्ष्मी प्रजाई जी, आपने फोन करके हम लोगों को क्यों बुलाया है? सब ठीक तो है ना? ठीक है, लेकिन ठीक भी नहीं है। हाँ, क्या मतलब? मतलब देखो, अभी हम जलपा को न्याय दिलाने के लिए ना भूख हड़ताल करने तो जा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये ठीक होगा। देखो शेर सिंह अण्णा, जलपा तो लड़की है, कल उसका शादी होगा, उसको अपना घर संभालना पड़ेगा। हम लोग ऐसा भूख हड़ताल वैसा करेगा ना, तो जिन लोगों को मालूम भी नहीं है उनको भी ये सब मालूम पड़ जाएगा ना। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये भूख हड़ताल करना कोई मामूली बात नहीं है। पेट में जब चूहे जंग करते हैं ना, तो मेरे जैसे शूरवीर, सूरमा, बहादुर, साहसी फौजी भी घुटने टेक देते हैं। हम तो सिर्फ ये जलपा बच्ची है ना, उसका भला चाहते हैं भाई। हाँ, और अगर भूख हड़ताल हो गई तो उसकी शादी नहीं होगी। शादी नहीं होगा? जलपा की शादी ना हो? नहीं नहीं, हम ये नहीं होने देगा। हम हिस्ट्री को रिपीट नहीं होने देगा। अरे हम कुआरा रह गया, जलपा को कुआरा नहीं रहने देगा। अब भी जाके जलपा का मम्मी को जाके बोलता है, सब बता देता है। जलपा की मम्मी, अरे पावी, अरे ये दारुण ना, अगर सचमुच में जाके जलपा की मम्मी मतलब जागृति को बोल देगा तो अरे चलो। वो पहले से ही परेशान है और परेशान हो जाएगी। हेलो 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 हेलो, अरे ये नहीं हिलता। नहीं वो नहीं, हेलो 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 हेलो। अच्छा अच्छा, नमस्ते नमस्ते। अब हमको एक बात बोलने का है। तो बोलो। नहीं नहीं, वो बोलने का क्या बोलने का, क्या बोलने का, क्या बोलने का, याद आया? नहीं होएगा। क्या नहीं होएगा? अरे नहीं होएगा, नहीं होएगा, पक्का नहीं होएगा, हम बोलते हैं। अरे लेकिन क्या नहीं होएगा? अरे दिख रहा, वो होता है ना, वो बहुत बड़ा पार्टी होता है, कितना हजारों मेहमान आता है, खाता है, पीता है, डांस करता है, मजा करता है, वो नहीं होएगा। अरे 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 जागृति, कहना चाहता है कि भूख हड़ताल नहीं होगा। भूख हड़ताल? ये कह रहा है कि इसके बगैर भूख हड़ताल नहीं होगी। हाँ अरे वाह वाह वाह, टोडरमल भाई, शेर सिंह भाई, राजलक्ष्मी बेन और दारू भाई। दारू वाला? नहीं मतलब दारू वाला भाई। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आप लोग सब भी ना हमारी बेटी जलपा के बारे में उतने ही चिंतित है जितने कि हम माँ बाप। आज ना मेरे को पूरे पूरा यकीन हो गया कि जलपा सिर्फ हमारी नहीं, पूरे हैप्पी होम सोसाइटी की भी बेटी है। अब मुझे विश्वास है कि भगवान की और आप लोगों की सहायता से मेरी बेटी जलपा को जरूर न्याय मिलेगा। हो तो जागृति, कल से भूख हड़ताल शुरू। मेरे को एक एक बात पूछने का है, ये भूख हड़ताल हम लोग काय को करते हैं? अरे तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। मम्मी जलपा दिख रहा? बस बस माँ, लड़की के लिए कितना मुश्किल होता है खुद को बेगुनाह साबित करना, और वही एक आदमी गुनाह करने के बाद भी उसे गुनहगार साबित करना कितना नामुमकिन है ना।
जाने मेरे जैसे कितनी और लड़कियों के साथ ऐसा होता होगा, और वो बेचारी सब कुछ सहन करने के बाद भी खामोश नहीं होगी ना। ये तेरी अकेले की लड़ाई नहीं है, ये सारी उन औरतों की भी लड़ाई है जो अजय नारंग जैसे लोगों द्वारा डराए, धमकाए और सताए गए हैं और सताए जा रहे हैं। तू देखना बेटा, कल का सवेरा अजय नारंग के लिए एक सबक लेकर आएगा। अरे बुटो डाढू सुटो डाढू सुटो, क्या कर रहा है? जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आज हैप्पी होम की सारी महिलाएं अंजन का मन मनाकर एक साथ जमा हुए हैं। खास बात ये है कि ये लड़ाई किसी अजय नारंग के खिलाफ। आइए अब ये जानें ये अंजन क्यों और इसका आम जनता पर क्या असर होगा। आपका नाम? अरे बोलो बोलो। डॉली शीन गुप्ता। आप ये अंजन क्यों कर रही हैं? अजय नारंग को सबक सिखाने के लिए, ताकि वो आगे कोई भी लड़की के साथ बदतमीज ना कर सके। आपका क्या कहना है इस बारे में? सौरभ जी, पापा जी, मैं क्या कहूँ? बोल दे कुछ भी बोल दे, बाद में देख लेंगे। नहीं नहीं, रहन रहन दो, मुझे याद आ गया। हम सब मिलकर ना उस अजय नारंग पापी के खिलाफ ना लड़ाई लड़ रहे हैं जी, और हमारी बात लोगों तक पहुंचे इसलिए ये अनशन कर रहे हैं जी। आखिर कब तक इस तरह अनशन पर डटे रहने का इरादा है आप सबका? अरे पावी, जब तक गुनहगार को सजा नहीं मिलेगा तब तक। ओ बेले इल्ला तो फुर्की पैक के कारण हमारा सोसाइटी का हैप्पी होम सोसाइटी का बेटा जलपा के साथ ना बदतमीजी किया है, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। देख लिया महिला शक्ति कार्यक्रम, तुझे तो ये लोग कफन उड़ाने की तैयारी में लगे हैं। हैप्पी होम वालों की तो मैं ईंट से ईंट बजा डालूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, मगर इसके पहले मुझे इनका ये अंशन तोड़वाना पड़ेगा। कैसे तोड़वाओगे तुम बोलो? हर कड़ी में कोई ना कोई कमजोर कड़ी होती है, इनमें भी होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, हैप्पी होम्स के सारे मेंबर्स पिछले 5 घंटे से अंशन पर ही बैठे। इन्हें देखकर ऐसा लगता है इन्होंने भूख और प्यास दोनों को टाटा बाय बाय कर दिया। अभी तक कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही, ना पुलिस को पड़ी है ना किसी नेता को जो यहाँ आके इनका हाल ले सके। क्या नारी शक्ति की इज्जत और आबरू के सवाल के जवाब किसी के पास नहीं है? Excuse me. Yes. Hello. Hello. हम लोग इधर क्या करते हैं? पापा, रिश्ते भूल गए। भूल गया? लेकिन बोलो ना, इधर हम काहे को आए? अरे हम इधर अनशन करने को आए हैं। अनशन? हाँ। अनशन किसका सैंपल? नहीं, अनशन क्या होता है? अरे जब तक हमें हमारा हक नहीं मिल जाता ना, नो खाना। अरे बुटो डाढू सुटो डाढू सुटो, क्या कर रहे हो भाई? अगर तुमको अनशन के बारे में कुछ बोलना है तो बोलो, ये माइकवा को चबा काहे रहे हो? अरे ये माइक है, मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा, इतना भूख लगा है क्या करूं। लेकिन भूख तो मेरे को भी बहुत लग रही है, भूख तो लग रही है फिर। हाँ
हाँ बोल रंका। कमजोर खड़ी मिल चुकी है बा। वेरी गुड रंका। अरे इतनी भूख आ रही है क्या बताऊं? अरे पेट है कि मानता ही नहीं। कुछ खाने का इंतजाम कर। वो गाइस क्या खाना खाना लगा रखा है, मुझे देखो, लुक एट मी, है पेशेंस ना। अरे गाइस बोल के थोड़ा भूख पे आइस तो लगाया, पर भूख इतनी है कि क्या पता है यार। एक तो खाना दो। अरे थोड़ा तो दो नहीं। अरे सुनो मेरे भैये, सुन, देखो हाथी पार जा चुका है, बस तनी पूंछ बाकी है, वो भी चली जाएगी। अरे ये पूंछ ही तो पेट में तबाही मचा रही है। अरे बाबा तुम्हारे को क्या मालूम हमारे पे क्या गुजर रही है, जिस तन लगे सो तन जाने। अरे पेट का हाल हमारे को मालूम है, भूख लगी है यार। वो यूरे परंतु ये जन्म तो लुटारा को दिला ऐसा लास्ट मिनट में ऐसा करना अच्छा नहीं लगता है ना, तो थोड़ा कंट्रोल करो ना, शांत रहो, मेडिटेशन करो, इमीडिएट करो। हाँ ठीक है बाबा, अभी थोड़ा है, अभी बोलता है हाथी निकल गया, पूछ है अभी देखते हैं पूछ कितनी लंबी है। बाबा बैठो। अरे भगवान देख रहे हैं ये सब क्या हो गई इनकी दुर्दशा, खाने पीने के लिए तरस रहे हैं ये लोग, और ये कोई औरत नहीं बल्कि पुरुष है जो औरतों के हक के लिए उनके साथ इस अनशन में बैठे हुए हैं। ए अजय नारंग, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ फोन करने की? बस ये याद दिलाने के लिए कि यहाँ पे जीत हमेशा बुराई की ही होती है, सच्चाई हमेशा बुराई के आगे सर झुकाती है। इसको नक्की पहले किधर देखा है मैंने? देखना पड़ेगा। खुशबू आ रही है, यानी असली माल लगता है, अभी भूख बहुत लगी है यार। हाँ बोल रंका। बॉस रिकॉर्डिंग मिल गई। अब देखता हूँ कैसे अनशन पे रह पाते हैं ये हैप्पी होम वाले। एक काम कर रंका, तू वहीं पे सब कुछ रिकॉर्ड कर। प्लीज प्लीज इन्हें खा लेने दीजिए और मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आप लोगों को इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है, प्लीज आप खा लीजिए। ओए पुत्र, तूने हमको इतना कमजोर समझ रखा है? बेटा हम तो बस ऐसे ही, सॉरी सॉरी। अरे जल्दी खुशखबरी दे रंगा, अनशन टूटा या नहीं? सॉरी बॉस, अनशन टूटते टूटते रह गया। व्हाट? हाँ बॉस, उन्होंने एक निवाला तक नहीं खाया, उन लोग खाना ही चाह रहे थे कि बीच में जलपा आ गई, फिर उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे कुछ नहीं सुनना, चाहे जो हो जाए मुझे उनका अनशन तोड़वाना ही है। तो एक काम कर, वहीं रुक, वो फिर से ट्राई करेंगे, उन पर नजर रख, और हाँ अपने आँख और कान खुले रखना, जो कुछ भी वहां पे होता है उसे अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करते रहना। ओके बॉस। लगता है तुम दोनों को हमने कहीं देखा है। इधर देखा है, जाना नहीं है, अब भी एक मिनट में आता है। बाप रे, ये वही भुलक्कड़ है जिसको हमने जिग्नेश समझकर खूब धोया था। चलो भाग चले। चौकस, इधर तो देखा है, याद आएगा, अभी याद आएगा, अभी याद आएगा। अरे अंकल आके देखने के लिए होती है, कहीं ना कहीं देखा होगा। एम मस्करी करता है? नहीं अंकल, मस्करी की क्या बात है, वो देखो कोई बुला रहा है तुम्हें।
भागी क्या? हेलो, अजय नारंग ला पूछे थे। हेलो, नमस्ते मिस्टर जिग्नेश, कैसा चल रहा है आपका अनशन? ए अजय नारंग, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ फोन करने की? बस ये याद दिलाने के लिए कि यहाँ पे जीत हमेशा बुराई की ही होती है, सच्चाई हमेशा बुराई के आगे सर झुकाती है। बस उसी तरीके से तुम भी मेरे आगे सर झुकाओगे। मैं भी देखता हूँ कैसे तुम लोग मुझे बिना किसी सबूत के अनशन के द्वारा मुझे जेल भेजवाते हो। अभी भी वक्त है, भूल जाओ सब, मैं भी भूल जाऊंगा। भूल तो नहीं सकता नारंग, धंधा नहीं बात छे, याद रखना जीत तो हमारी ही होगी। और अगर नहीं हुई तो? नहीं हुई ना तो मैं मेरे कान पकड़ कर तेरे सामने मेरे घुटने टेक दूंगा, फिर तुम्हारा जूता और मेरा सर। लेकिन एक बात याद रखना, अगर मैं जीत गया तो तुझे क्या करना है वो तो तेरे समझ में आ गया ना। जीत तो तुम सकते ही नहीं हो, इसलिए मैं अपना जूता तैयार रखता हूँ और तुम अपना सर, क्योंकि हार तुम्हारी होगी। अब बस देखते जाओ कैसे मैं अपने कॉन्टैक्ट्स यूज करता हूँ। अरे चल, अरे बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। हाँ तो सारी गुआड़ी नहीं दो, लंगे कोड में कितने आंदो। हेलो, यस सर, बट वाई सर? सर मगर यहाँ, ओके सर, ओके मैं आ रही। चलो सॉरी, मैं मजबूर हूँ। मुझे लगता है कि जरूर आपको यहाँ से हटाने को कहा गया है और ये उस अजय नारंग की कोई चाल है। थैंक यू मिसेस सिंह, उस रिपोर्टर को वहां से हटाने के लिए। मिसेस सिंह, मैं आपको कुछ देर बाद कॉल करता हूँ, एक्चुअली मेरी एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है। हाँ बोल रंगा। वेरी गुड रंगा, तू वहीं पे रुक, मैं कुछ देर में वहां पे आता हूँ। अरे तो मैं शू करूँ जो? अगर उस दिन तुमने मेरे साथ कोऑपरेट किया होता तो आज ये दिन तुम्हें ना देखना पड़ता। मैंने कहा था ना जीत मेरी ही होगी। मिस्टर जिग्नेश, ये कलयुग है कलयुग, यहाँ सत्य ईमानदारी की कोई जगह नहीं। वैसे आपको एक बात तो याद ही होगी जो आपने वादा किया था हमसे। भगवान भी हम जैसे का ही साथ देते हैं। माय डियर जलपा, अगर उस दिन तुमने मेरे साथ कोऑपरेट किया होता तो आज ये दिन तुम्हें ना देखना पड़ता। क्या किया था मैंने? तुम्हें हाथी तो लगाया था ना, इतना तो चलता है ना। आज तक किसी लड़की ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया पर तुमने मना कर दिया, अजय नारंग को मना कर दिया। तुमने मेरी कंप्लेन की और मेरे बॉस की भी की। अरे मैं और बॉस दोनों मिल करके साथ में बांट करके खाते हैं, पुलिस भी मेरी जेब में है और गुंडे भी। ये समोसे और जलेबी की प्लेट ना, ये भी मेरे आदमियों ने ही रखे हैं। मेरी पहुंच ऊपर तक है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जलपा ना सही तो ना सही, कोई और लड़की मिल जाएगी। आइए जिग्नेश जी, मेरा जूता और आपका सर दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू मिस्टर अजय नारंग।
for your exclusive interview. It will be live. What? तुम? लेकिन तुम्हें तो मैंने तुम्हारे बॉस से कहकर यहाँ से हटवा दिया था। हाँ, पर मुझे मेरी नौकरी से ज़्यादा किसी लड़की की इज्जत इम्पोर्टेंट। अरे ये सब हमारा ही प्लान था, धंधा नहीं वाचया। आ दारू वाला ने आपके आदमी को रंगा को पहचान लिया था, समझे? इससे पहले तुमने जिग्नेश को जो फोन किया था, अपने जीत के अहंकार में, और जिग्नेश ने तुम्हें जानबूझकर चैलेंज दिया। अरे कमाल है भाई, ये दारू वाला इतना भुलक्कड़, उसको भी सब याद रहा। वाह भाई वाह, और तू आराम से हमारे जाल में फंस गया। देखना अभी पुलिस आती होगी तेरे को पकड़ने के लिए। आती नहीं, आ गई है। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर नारंग। अरे वाह हवलदार। इंस्पेक्टर। अरे यार देखो टोपी पहना करो, तभी तो मालूम पड़ेगा ना हवलदार है कि इंस्पेक्टर है। शट अप। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, मैं जरा इनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। सुनो, महात्मा गांधी ने कहा था कि पाप का नाश करो, पापी का नहीं। तुम ये मत सोचो कि हम तुमसे कोई दुश्मनी निकाल रहे हैं। हम तो तुम्हें ये एहसास करा रहे हैं कि जो कुछ भी तुम करोगे यही भुगतोगे। सोचो जो अत्याचार जलपा के साथ हुआ है, कल वही तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी के साथ हो जाए, कैसा लगेगा? मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। अनशन तो खत्म हो गए, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि औरतों पे होने वाले अत्याचार कब खत्म होंगे। ये पुरुष लोग क्यों समझ नहीं रहे हैं कि उनको जन्म देने वाली औरत भी जलपा की तरह किसी की बेटी या बहन हो सकती है। अरे हम हमारे देश भारत को भी भारत माता कहते हैं, गाय को गौ माता कहते हैं, अरे यहाँ तक कि हमारी धरती को भी धरती माता कहते हैं। फिर हम लोग दूसरों की बहन बेटियों और माँ को अपनी बहन बेटी और माँ क्यों नहीं समझते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, ये पुरुषों ने ना ये महिलाओं का शोषण एक परंपरा बना के रखा है। ये तो गलत बात है ना? देखो ये कानूनन एक बहुत बड़ा गुना भी है, और कानून ने उसके लिए सजा भी नक्की की है। पर मैं तुमको एक बात बोलना चाहती हूँ कि जो पुरुष लोग महिलाओं की इज्जत नहीं करते, उनको घर में मान सम्मान नहीं देते ना, उसके घर में कभी भी धन, विद्या और शक्ति का वास नहीं होगा। क्योंकि औरत ही लक्ष्मी है, सरस्वती है और दुर्गा भी है। सास ने अपनी बहू को दहेज के लिए बहुत सताया। भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड में अच्छा प्रदर्शन दिखाया, मर्दों ने उसका बहिष्कार किया। तेरे को बच्चा भी हो गया, तूने बताया ही नहीं मेरे को। अरे मैं कुछ हेल्प कर देता। मेरा नहीं, मेरे पड़ोसी है ना, उनका बच्चा, तो मेरे बच्चे जैसा हुआ कि नहीं? हुई ना। और पड़ोसी का पति? ये बाबा तमीज से बात करा। तमीज से ही बात करता है।